फ्रेंड कैसे हैं आप सब लोग। एक बार फिर से राम राम सभी को। तो मैं रश्मि मलिक यूपी शामली से। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। तो आप लोगों का एक बार फिर से बहुत बहुत वेलकम है आपके अपने यूट्यूब चैनल फनी व्लॉग में। तो ये वीडियो मैंने एक वीडियो पहले डाल दी थी। ये वीडियो मुझे एमरजेंसी में बनानी पड़ी है। वो कुछ लिए बनानी पड़ी है, मैं आपको बताती हूँ। आपने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि पिछले कुछ दिनों से कुछ लोग बहुत ज़्यादा धमकियाँ देते हैं कि यूट्यूब पर इसके ज्योति के ऊपर वीडियो बनानी छोड़ दो, वरना हम ये कर देंगे। अपने गांव का एड्रेस बताओ, तुम कहाँ रहती हो, तुम क्या करती हो, तुम लोगों को तुम सही से अपना इंट्रोडक्शन नहीं दे रही हो, और ज्योति की बद्दुआ लगेगी, और 4 साल से क्या ज्योति का जब बच्चे पैदा वो करेगा, हाँ बाप बनने का शौक है, बस उनका खर्चा कौन उठाएगा। तो एक कान एक बात ना कान खोल के ना अच्छे से सुना, सुन लेना। मैं तुम्हारी धमकियों से डरती नहीं हूँ, पहली बात तो ठीक है। तुम ज्योति को डरा सकते हो या परवीन को डरा सकते हो, मुझे डराने की हिम्मत मत करना बिल्कुल भी, ठीक है। मैं डरती नहीं हूँ, ठीक है। और दूसरी बात, तुम मुझे वीडियो बनाने से नहीं रोक सकते, ठीक है। अब तो बहुत वीडियो बनाऊंगी, तुम रोक के दिखाओ मुझे, ठीक है। और दूसरी बात, जो एड्रेस पूछ रहा था, तो भाई साहब जब वीडियो देखा करो ना स्टार्टिंग में, तो पहले अच्छे से सुन लिया कर कान में तेल डाल के, ठीक है। मैं स्टार्टिंग में बोलती हूँ मेरा नाम क्या है और मैं कहाँ से हूँ, ठीक है। तो ये तो तेरे सुनने में कमी कुछ कमी है या तेरे कान वान खराब है, डॉक्टर को दिखाने के बाद उसके बाद वीडियो खोल के देखना, ठीक है, अच्छे से। और जो दूसरा बोला था कि बस परवीन को तो बाप बनने का शौक है और खर्चा क्या उसका ज्योति का बाप उठाएगा, तो भाई परवीन के अपने आप ही बाप बन गया बिना ज्योति की मर्जी के। ज्योति की तो मर्जी होगी माँ बनने की, तभी तो वो बाप बना होगा, या ऐसे ही बाप बन गया उठ के। दूसरी बात, तीसरी बात, किसी का घर बसा नहीं सकते तो कम से कम उजाड़ने की कोशिश तो ना करो। अगर वो बंदा कह रहा है कि मुझे एक मौका दे दो, तो तुम्हारे देने में क्या घिस रहा है। एक क्या बोला था, हाँ ज्योति की बद्दुआ लगेगी तुझे। ओ भाई साहब, मुझे तो ज्योति की बद्दुआ छोड़, तू ये देख ज्योति को, उसके घर वालों को, उन बच्चों की बद्दुआ कितनी लग रही है, ठीक है। पहले उस बद्दुआ को संभाल और उसके बाद फिर आके यहाँ बकवास मारिए। ज्योति की बद्दुआ लगेगी है ज्योति, किसी को बद्दुआ देने लगा, उस उल्टी उसको ही बद्दुआ लग रही है जो अपने 1 महीने के बच्चे को छोड़ के भाग जाए। वो औरत है, औरत के नाम पे कलंक है वो, ठीक है। कौन कोई नहीं भागता के जाना, तो बेटे बच्चे को लेके जाती साथ में, जब मानते उसको हम कि यहाँ परवीन की गलती है। अगर किसी घर बसा नहीं सकते हो, तो कम से कम किसी घर उजाड़ने की कोशिश भी मत किया करो, ठीक है। ना तो कोई, ना तो हम पहले परवीन को जानते थे, ना हम किसी ज्योति को जानते थे। पता पहले क्या होता है, पहले तो प्यार कर लो, पहले तो प्यार कर लो। अब तक बोलते 14 साल की है, 14 साल की, 14 साल की लड़की को भगा लिया, अब कल एकदम से वो 24 साल की होगी। 19 साल में शादी हुई थी उसकी, 24 साल की होगी, ठीक है। 19 साल की लड़की कोई भगा लेगा, 23-24 साल में उसकी बच्ची होगी, बच्ची रह रही है वो, अब छोटी सी बच्ची है कि वो दूध पीती है, उसको पता नहीं 23-24 साल में क्या हुआ। और 4 साल से भूखी मर रही थी वो, है ना, ज्योति का बाप ही खिला रहा 4 साल से उसे। ये तो बोल रहा है कि 4 साल से कमा करके ज्योति का बाप देगा, तो पिछले 4 साल से ज्योति का बाप दे रहा था कमा कर उसे। परवीन तो खुआ रहा होगा, जैसे भी खिला रहा होगा, और हर टाइम कंडीशन एक जैसी तो होती नहीं कि आज अमीर है कल गरीब है। अरे चलो, हमने मारा शराब पीता था वो, जुआ खेल सट्टा खेल सब कुछ करता था वो। अगर वो एक मौका मांग रहा है अपने बच्चों के लिए, तो क्या एक मौका दे सकते? तुम भगवान से भी बड़े हो गए हो, एक मौका तो भगवान दे देता है इंसान को, फिर तुम तो इंसान ही हो। अगर तुम सच में इन दोनों का भला चाहते हो, तो इन दोनों को एक मौका देने में कुछ दिक्कत आती है? जब तो ज्योति कभी मन में लड्डू फूट रहे होंगे, जब तो वो भी बड़ी खुश हुई होगी, हम तो कोर्ट मैरिज करेंगे, हम तो लव मैरिज करेंगे। और हाँ, क्या बोलते, एक ने बोला था कि 14 साल की उम्र में इनका अफेयर शुरू हुआ था और 19 साल की उम्र में शादी हुई थी, तो 5 साल में ये पता नहीं चला कि परवीन कैसा है कैसा नहीं है, क्या नशा करता है क्या नशा नहीं करता है, क्या उसके घर की कंडीशन है क्या उसकी कंडीशन है। 4 साल बाद मालूम हुआ कि उसकी कंडीशन क्या है, उसके घर की कंडीशन क्या है, ये नहीं पता चला। तुमने 4-5 साल की लव अफेयर में कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। जो लड़की भाग के अपने घर वालों से कोर्ट मैरिज कर ले, क्या वो सीधी लड़की है? जो लड़की 2 महीने से अपने बच्चे को छोड़, 1.5 महीने से अपने बच्चे, 1.5 महीने के बच्चे को छोड़कर अपने मायके में पड़ी है, क्या वो लड़की है? क्या वो माँ कहलाने लायक है? जब उसे अपनी माँ बाप की जरूरत है, क्या उन बच्चों को अपनी माँ बाप की जरूरत नहीं है? और उसका घर के अंदाजा लगा रहे हो खाने को मिलता है नहीं मिलता है? अगर गरीब इंसान है तो बच्चे पैदा ही ना करे। तो एक बार फिर बता रही हूँ, मुझे धमकी देने से पहले ना 4 बार सोच लिए, ठीक है। उसके बाद बोलिए मेरा चैनल, तुझे कोई इनविटेशन कार्ड नहीं भेजती हूँ कि तू आ मेरी वीडियो को देख, ठीक है। अगर तुझे नहीं अच्छी लगती तो मत देखा कर, ऐसे स्पेशल तेरा नाम लिख के नहीं भेजती हूँ कि तू आ और मेरी वीडियो देख।
और एक कोने जितने भी जो अगली चमची है ना, सबको बोलती हूँ मुझको धमकी देने की जरूरत नहीं, बिल्कुल भी आपके बाद मुझे धमकी मत दे देना, वरना फिर मैं जो करूंगी ना वो शायद तुम्हारे लिए बहुत गलत हो जाएगा। और जब तो उसके माँ बाप को भी नहीं दिखाओगा कि अपनी लड़की की निगाह रख लो, उसे ध्यान रख लो उसका अच्छे से, क्या कर रही है क्या नहीं कर रही है। नहीं, जब तो उसे घर में बंद करके नहीं रखा, अब उसके दो दो बच्चे हो गए, अब उसको घर में बंद करके रख रहे हैं। और कौन बोलते हैं कि ज्योति के ऊपर दबाव बनाए हुए। अरे जो लड़की अपने माँ बाप की मर्जी के अगेंस्ट जाके भाग के कोर्ट मैरिज कर ले, क्या उसके ऊपर कोई दबाव बना सकता है? जब उसके ऊपर 14 साल की उम्र में दबाव नहीं बना, क्या अब उसके ऊपर 24 साल की उम्र में दबाव बन जाएगा? आप क्या चाहती है? वो कहते हो कि परवीन उसको पीटता था, मारता, सलाह पीता था। अरे वो सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार तो है, तुम्हारे आगे 10 बार हाथ जोड़ लिए, नाक रगड़ लिया, अब क्या चाहते हो तुम उससे? एक मौका देकर तो देखो, उसके बाद तो मालूम चलेगा कि वो ये सब कुछ दोबारा से करता है नहीं करता है। किसी और की तरफ, कम से कम उस बच्चे की तरफ तो देख आप था के, जो इतना बीमार हो गया, तूने एक बार अपने उससे फोन करके पूछ जरूर नहीं समझा कि तबीयत कैसी है उसकी? अरे दुश्मन से भी बात कर लेते हैं, दुश्मन का भी हालचाल पूछ लेते हैं, फिर तो वो तो तेरी जन्मी हुई औलाद है। और अपने बच्चे को, जो गैर का बच्चा होता है ना, हमारा तो बच्चा नहीं है ना वो, फिर भी हम लोगों को तरस आता है उसे देख के, लेकिन तुझे तरस नहीं आया देख के एक बार भी? औरत है तू, है ये माँ? कोई अपने बच्चे को 1.5 महीने तक छोड़ के कैसे रह सकता है? 10 दिन में पहचान लेती है औरत की उसका पति कैसा है कैसा नहीं। उसको तो 5 साल अफेयर चल गया और 4 साल शादी को हो गया, वो जब तक नहीं जान पाई अपने पति को, अब जानिए वो 4 साल इतने साल के बाद, 9 साल बाद की परवीन कैसा है। और क्या बोला, माँ मर जाती है जब भी तो बच्चे पल जाते, बाप पालता है क्या बात? जब पति मर जाता जब भी तो लड़की विधवा बन के अपने घर रह लेती है, बच्चों को पालती है। शादी करना अगर तुम असल माँ बाप के हो, शादी मत करना, फिर दूसरे उसकी अपने घर में रखना बिठा के उसे। और लास्ट बार बोल रही हूँ, मुझे धमकी देने की जरूरत करना था, मुझे धमकी दे मत देना बिल्कुल भी, ठीक है?